योगी सरकार अपने पहले कार्यकाल में गांव की पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए अभियान शुरू किया था, जिसके बाद तेजी से सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र में लक्ष्मीगंज रामबाग से तरकुलबा जाने वाली सड़क का शिलान्यास तत्कालीन डिप्टी सीएम और लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 4 जनवरी 2022 को किया था, और इस सड़क से गुजरने वाले लगभग 25 गाँव के हजारों लोगों को एक उम्मीद जगी और तेजी से काम शुरू हुआ। लेकिन कुछ महीने बीत जाने के बाद ठेकेदारों ने अचानक से काम बंद कर दिया। पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को लगभग 5.5 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया। पैसा लेने के बाद ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने लगभग 2 साल बीतने के बाद भी एक सड़क का निर्माण नहीं करा पाई है। विभाग से जिस ठेकेदार नियुक्त किया गया वह काम छोड़कर फरार हो गया है। सड़क न बनने से करीब 25 गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। लखनवीर रामबाग से तरकुलवा पार गए, जिसकी कुल लंबाई 1 किलोमीटर है। इसमें 150 मीटर पीसीसी का कार्य कॉन्ट्रेक्टर द्वारा कर दिया गया है। 850 मीटर पीसी कार्य अवशेष है। यह कार्य 1 सप्ताह के अंतर शुरू हो जाएगा और दिसंबर माह में पूर्ण कर दिया जाएगा। बोर्ड 2.5-3 साल हो गया लग के, बोर्ड भर लगा है, रोड बना ही नहीं है, और इस सड़क का निर्माण 10-12 साल हो गया। कितने गांव को ये सड़क जोड़ता है? ये तो बहुत दूर तक सड़क जाती है, जब सड़क का क्या बिहार तक निकल जाती है ऐसे। नहीं, इस जो सड़क खराब है, कितने मुख्य मार्ग से जुड़ा है, तो कितने गांव इससे, अगर ये बनता तो कितने गांव के लोग इससे ना पाते? 25 या 30 गांव तक आराम से आदमी जाते आते। 8-10 साल पहले बना था, अब ये सड़क 5-6 बरस से खंडहर बना है। देख ही रहे हैं आप लोग किस तरह से है। एक दिन चुपके से लोग आए, शिलान्यास कर दिया, कह रहे कि बनेगा बनेगा, पहले शिलान्यास होगा तब बनेगा। और शिलान्यास करा के चले गए सब, तभी से टूटा फूटा रोड उस तरह से पड़ा है। आने जाने में इतना लोगों को परेशानी हो रही है कि आपसे मनो क्या बताएं हम लोग। कितने दिन पहले शिलान्यास हुआ? अरे कम से कम साल भर हो गया, 2.5 साल हो गया इसका बने हुए।